जब इसने पानी छोड़ देना तो ये गाला बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब के। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत तो आपके से होंगे, आपके बर्ड्स भी जमान में होंगे। तो कुछ भाई कह रहे थे कि मुर्गा तैयारी के लिए क्या खुराक देनी चाहिए, तो आज आपको मुकम्मल वो तफसील सारे बताता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर दें सॉरी। तो चले बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं पहले मरहले में क्या करना है और बाद में क्या करना है। पहले भाई जो अगर आपने लड़ाई के लिए मुर्गा तैयार करना है तो उसका वज़न कम से कम आपको 2500 ग्राम या 2500 ग्राम का राउंड बाउंड करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा अगर वज़न होगा मुर्गे का वो जब फाइट करता है पीछे की तरफ जब गिरते हैं तो उनके पर टूट जाते हैं, ठीक है, बर्ड्स का नुकसान होता है। उससे बचने के लिए आपको पहले ना उसका वेट लूज़ करना पड़ना है, वेट लूज़ करके फिर उसको आप डाइट दें जो मैं बताता हूँ आगे, आपको दिखाता हूँ बना के भी सारी, तो फिर आप उस तरह के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और उसको सबसे पहले जो मुर्गा आप तैयारी पे लगाते हैं उसको तकरीबन 15 मिनट आप सुबह टाइम छोड़ के ना तो हल्की हल्की वाक करवा करने, वाक जब आप उसकी करवाते हैं तो एक उसकी वर्दिश हो जाती है। उसके बाद मैं मालिश करने की भी एक वीडियो लगा दूंगा, ठीक है, मुर्गे का वज़न कैसे कम करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। पंसार की दुकान से एक सिपारी तरह का ना गोल बेर की तरह होगा तो वो मिलेगा, वो उसको आपने ताना, वो मैं आपको मुकम्मल वो अलहदा एक टॉपिक का वो ये इस पर बनाएंगे वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएंगे, वो अलहदा एक टॉपिक का वो बाद में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। और वेट कम कैसे करना है और मुर्गे की मालिश कैसे करनी है वो सारी एक बाद में वीडियो बन जाएगी। अभी आपको बताने लगा था कि मुर्गे को डाइट क्या देनी है और इसकी हिफाजत क्या करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यार ये चने ले लेने हैं आपने सूखे, थोड़े से ये बादाम है, काली मिर्चें हैं और ये पुराना गुड़ा पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा, इसलिए पुराना गुड़ लेना है, ये पुराना गुड़ा, पुराना गुड़ा आपने ले लेना, ठीक है। तो ये मेरे पास मुर्गे मैंने 3-4 मुर्गों को देनी है तो मैंने ये सारा लिया, आप अपने मुर्गे के हिसाब से जितनी गोलियाँ बना सकते हैं इसलिए, ठीक है। अगर आपका एक मुर्गा है तो 3 ये बादाम ले लें, काली मिर्चें इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं कि बादाम अक्सर मुर्गों के ना जोड़ों में पानी पड़ जाता है, ठीक है, ये हैवी डाइट खाने से तो उससे बचने के लिए ना ये करना लाजमी है। वो मुर्गों के जोड़ों में पानी के बचाने के लिए ना तो फिर ये काली मिर्चें लाजमी होती हैं, क्योंकि इससे मुर्गे के जोड़ों में पानी नहीं पड़ता और ना ये टांगों से गिरता है। और जो मुर्गा आपने लड़ाई के लिए लगवाना ना कोशिश किया करे उसके केज में ना डंडा लगाएगी ताकि वो सारी रात ना डंडे पर बैठा करे, जो मुर्गे टांगों से गिर जाते हैं ना डंडे पर बैठने से टांग नहीं गिरते। तो अभी मैं आपको गोलियाँ बना के दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वीडियो के दौरान भी आपको दबाते हुए वीडियो बना दूँ, मगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। खैर आपको मैं ये सारी चीज़ें फिर पीस के तो फिर आगे गोलियाँ बना के बताता हूँ कितनी किस को किस टाइम देनी। चलो ये मैं कुंडी ले आया हूँ नीचे से, अब ये थोड़े से ये पहले आपको थोड़ी सी बना के दिखा देता हूँ ना कि एक मुर्गे की आप कितने के बना लें। ये पहले ये वाले चने डाल लें, कोशिश करें कि रोज़ाना के रोज़ाना बना के दें, पहले एक एक कट्ठी ना बना के रख लेंगे। पाउडर पाउडर वाइज आप अलहदा अलहदा बन रहे, गुड़ के अंदर आप डालेंगे तो वो पानी छोड़ देता है, तो कोशिश करें कि कट्ठी ना बनाए, गुड़ यानी के बाद में शामिल कर लें, पेस्ट वगैरह तो चाहे आप इकट्ठा बना के रख लें उसमें कोई मसला नहीं। क्योंकि गुड़ा आपको पता फिर पानी छोड़ जाता है, ये सारी चीज़ें पड़ी होंगी तो पाउडर वगैरह आप बना के रख लें। ये देख लेंगे ब्रीक कर लिया, अब इसमें काली मिर्चें के डालूंगा थोड़े से, ये काली मिर्च डाल डालने लगा मैं, बता इसको ना बना लेते हैं। गुड़ थोड़ा सा इसमें कम है, मैं गुड़ जरा और डाल लूँ, ये भी इसने पानी छोड़ देना तो ये गाला बन जाएगा। चलिए ये बन गया, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो ये गोलियां बन गई हैं, इतनी इतनी बना ले जितनी इजीली आप दे सके मेरे मुर्गे को, मैं तो इतनी दे देता हूँ। और ये आपने देनी है या मुर्गे को जब आप शाम को बंद करने लगे खुडे में उतारने लगे तब दे दें, या सुबह के टाइम में एक रूटीन रख लें
ज़्यादा गर्मी में ये दो नहीं दें, एक ही दें, और अगर मौसम नॉर्मल है तो फिर आप चाहे दो भी दे दें, दिन और दिन टाइम और शाम टाइम, जी इंशाल्लाह करें, काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मेरा मुर्गा मैं अभी दिखाता हूँ जिसको मैं तैयार कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, वो गरम बड़ा हुआ था तो मादी के साथ पीछे छोड़ा है।